जेडी कार्यालय में आज स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर नवनिर्वाचित विधायक और जो मंत्री है आरजेडी कोटे से, वो यहां उपस्थित थे। सभी लोगों का यहां पर सम्मान किया गया। वहीं इस मौके पर आरजेडी के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव सहित पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वहीं जयप्रकाश नारायण यादव सहित पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित विधायकों ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। देखिए, आगे हम लोगों का तैयारी है सदस्यता अभियान, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का जो दिशा निर्देश है, हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का दिशा निर्देश है, उसके अनुसार हम लोग सदस्यता अभियान व्यापक रूप से चलाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में और पार्टी को मजबूत करेंगे। और क्षेत्र में जिस तरह अपार बहुमत दे करके जिताने का काम किए हैं, क्षेत्र का विकास करेंगे, क्षेत्र में जो है विकास का जाल बिछाएंगे, यही उम्मीद विश्वास के साथ जो है हम लोग क्षेत्र चल। देखिए, पार्टी जो जिम्मेवारी दी है हमको विधायक दल का नेता के रूप में, विधानसभा में जो विधानसभा का जो नियमावली है, नियम है, सिस्टम है, उसके अनुसार जो है खड़ा उतरने का हम लोग काम करेंगे और हेमंत सोरेन सरकार को मजबूती से चलाने के लिए चट्टानी एकता के साथ चारों MLA मिल करके, मंत्री मिल करके हम लोग सरकार को चलाएंगे। धन्यवाद। झारखंड मुख्यालय में माननीय नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान समारोह, नेता साथी सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने किया और यह सम्मान समारोह नहीं, यह जिम्मेवारी का समारोह है। और राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित जहां विधायक हमारे नवनिर्वाचित हुए, वहीं विधायक सम्माननीय मंत्री श्री संजय यादव जी बने और सभी एक साथ मिल करके हम लोगों ने पार्टी को मजबूत करने का काम, सदस्यता अभियान चलाने का काम, और जो माननीय विधायकों को और माननीय मंत्री के रूप में जिम्मेवारी माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सौंपा गया है, सभी अपने अपने क्षेत्रों में राज्य में करने का काम करेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो है अथक प्रयास और मेहनत करके झारखंड प्रदेश में 6 में 4 माननीय विधायकों को सफलता मिली और इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता मिली और माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। यह जन विश्वास की सरकार है, जनता की सरकार है और काम वाली सरकार है। झारखंड प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी भी थे और बहुत हर्ष उल्लास के साथ अभिनंदन समारोह हुआ और हम लोग यहाँ पर यही संकल्प लिए कि राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग 4 विधायक निर्वाचित हुए हैं अपने क्षेत्रों में, अपने आरजेडी के सभी परिवार को ऐसा आगे बढ़ावें कि भविष्य में 4 से 16 हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में विधायक को ला सकें। इसी कामना के साथ हम लोग अभिनंदन समारोह समाप्त करें। निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे, चारों विधायक या राष्ट्रीय जनता दल के सभी परिवार या सदस्य लोग या जो पदाधिकारी लोग हैं, हम लोग मिलजुल के जरूर प्रयास करेंगे। आरजेडी जिस तरह से 4 सीटें लाकर जो है कहीं ना कहीं एक दमदार वापसी की है, तो इससे जो है आरजेडी एक पूरे जोश में है और कहीं ना कहीं अब नगर निकाय पंचायत चुनाव पर जो है आरजेडी की नज़र है। यानी आरजेडी जो है पूरे जोश में है, खरोश में है और कहीं ना कहीं आने वाले दिन में आरजेडी का एक दमखम दिखने वाला है। तो रांची से जीएन भारत के लिए मैं मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।